स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ इंदौर जिले में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर जिले का मुख्य कार्यक्रम आरएपीटीसी के मैदान पर संपन्न हुआ। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सांवेर में आयोजित सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में तथा संभागायुक्त माल सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह और डीआईजी आरएपीटीसी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया आरएपीटीसी इंदौर के कार्यक्रम में शामिल हुए। इन्होंने सैकड़ों स्कूली बच्चों, नव आरक्षकों, शिक्षकों और अन्य नागरिकों के साथ सूर्य नमस्कार किया। पूरी तरह से ऊपर उठाइए, किसी भी स्थिति में हाथों को दूसरा चरण हल्के से उठाने का अनुभव होता है। कर लिया एक बार है और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सामान्य रूप से जहाँ तक श्वास आप छोड़ सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम जिले के अन्य स्कूलों और महाविद्यालयों में भी आयोजित किए गए। सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में इंदौर जिले के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। देखिए, आज 12 जनवरी के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार और सामूहिक प्राणायाम का आयोजन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश वाचन के साथ इसकी शुरुआत हुई और सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से योग के महत्व को रेखांकित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। भारतीय परंपरा में जैसा कहा जाता है कि योगा कर्मसु कौशलम, अगर हम लोग किसी भी क्रियाकलाप में कुशलता को, सक्षमता को प्राप्त करते हैं तो योग के समान हो जाता है। ये दिखाता है कि योग का कितना महत्व है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, और इसके अलावा अनुशासन और जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए भी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों से योग को बढ़ावा मिलेगा और जीवन पद्धति के रूप में पूरा देश इसको स्वीकार करेगा। युवा दिवस के अवसर पर शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायत और आश्रम शालाओं में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।